हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कटहल की सब्जी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। कटहल 250 ग्राम, बारीक चॉप की हुई एक प्याज, तड़का के लिए है हरा प्याज, तड़का के लिए है एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज और 2 टमाटर, इसे हमें ग्रेवी में लेना है, 1 हरी मिर्च, 15 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, सरसों का तेल, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और 5 फोरन और हरा धनिया। गैस ऑन कर देते हैं, कटहल को कुकर में डाल देते हैं, 1/2 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं, इसे 1 सीटी आने तक हमें पकाना है। जब तक हमारा कटहल उबल रहा है तब तक हम मसाला पीस के रेडी कर लेते हैं। जार में हम सबसे पहले प्याज डाल देते हैं, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन, अदरक, इलायची, लौंग, इन सारी चीजों को अब हम एक पेस्ट बना लेते हैं। हमारा जो मसाला है वो पीस के तैयार हो गया है। एक सीटी हो गया है और अब हम इस गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं और अब हम कटहल को फ्राई कर लेते हैं। इसमें तेल डाल देते हैं, तेल है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसे कटहल को फ्राई करके निकाल लेते हैं। एक तरफ से कटहल हमारा हो चुका है, दूसरे तरफ से भी पलट के इसे हम फ्राई कर लेते हैं। कटहल हमारा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाकी का बचा हुआ भी कटहल हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने सारा कटहल को फ्राई करके निकाल लिया। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, पांच चम्मच हम इसमें सरसों का तेल दे रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 5 फोरन डाल देंगे 1 चम्मच। अब हम इसमें हरा प्याज और प्याज को दोनों को डाल देते हैं। अब हम प्याज को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेते हैं। प्याज हमारा भून गया है और हम अब इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारा मसाला जो है वो भून गया है, अब हम इसमें सूखा मसाला डाल देते हैं, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसमें कटहल डाल देते हैं। कटहल को डाल के अच्छे से मसाला से मिक्स कर देते हैं। मसाला और कटहल अच्छे से मिक्स हो गया है,
अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देते हैं। अब हम इस पे ढक्कन रख देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा जो सब्जी है वो बनके अब तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।